तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून से ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार का यूसीसी लागू करने की ओर एक कदम बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सचिवालय में मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। सचिवालय में दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहाँ बैठक में यूसीसी पर मंथन होगा और अपर मुख्य सचिव समेत अन्य आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूसीसी पर मंथन करने के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया है। अपर मुख्य सचिव समेत अन्य आला अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लगातार उत्तराखंड सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और आज ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड की सरकार लगातार अग्रसर नजर आ रही है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री यूसीसी को लेकर एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम आला अधिकारी भी मौके पर बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में यूसीसी पर भी मंथन होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं और यूसीसी लागू करने को लेकर भी लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ में ये बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूसीसी रूल्स एंड मैनुअल्स कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी बैठक का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार उत्तराखंड सरकार की ओर से यूसीसी को लागू करने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं और आज ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, क्या लगता है किन अहम मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, यहाँ पे यूसीसी की अगर बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे कैबिनेट में पहले जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है दृढ़ निश्चय के साथ इसको लागू करने की बात की थी, उसको लेकर लगातार यहाँ पे बैठकों का दौर जा रहा है और जिसको जो है यहाँ पे जो है टीम भी बनाई गई थी, जिसने जो है आम जनमानस से जो है सुझाव मांगे थे और लगातार इस टीम ने जो है यहाँ पे काम करना जो है कवायद करने के साथ साथ पूरी होने की बात भी यहाँ पे की थी, परंतु कुछ जो है अड़चने आने के कारण इसमें जो है अभी इसका जो है कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। परंतु आज अगर देखा जाए तो जो रजनल देसाई जी जो इनके कमेटी की रिटायर्ड है, तो उन्होंने जो है बाकायदा इस पे जो है एक बुकलेट की बात की थी कि बुकलेट जो है वो तैयार हो चुकी है, सभी पूरी तरीके से मसौदा तैयार हो गया, तो आज उसको लेके 1 बजे के लगभग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है और ये बैठक जो है ये क्रियान्वयन समिति जो है उसके जो पूरी बैठक में जो है यहाँ पे तमाम आला अधिकारी बैठेंगे और हो सकता है प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बुकलेट है यूसीसी की, तो ये जो है आज मुख्यमंत्री को सौंप सकते हैं और बहुत जल्दी इस पर कोई निर्णय आ सकता है। जी अवनीश गुप्ता जी, मुख्य तौर पर कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बुकलेट भी तैयार हो चुकी है तो माना जा सकता है कि समिति को आज ये बुकलेट सौंपी जाएगी, तो कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आकांक्षा, अभी जिस तरीके से मुख्य सचिव यहाँ पे जो सीएम के सचिव है वो तमाम जो अधिकारी है और साथ में जो समिति के जो जो अधिकारी है रेना देसाई की अध्यक्षता में ये बात हुई थी, उसको लेकर यहाँ पे जिस तरीके से बात चल रही थी, क्योंकि समिति ने अपना कार्यकाल जो है पूरा कर दिया था और कुछ समय के लिए उनका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया था, तो ये सब तमाम चीजों पे आज जो है ये हो सकता है कि कोई विराम लग जाए, क्योंकि अभी जो है कुछ ही दिन पहले जो है मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पे अपना एक वक्तव्य दिया था कि यूसीसी को जो है दृढ़ निश्चय के साथ जो है जल्दी लागू कर दिया जाएगा और कयास लगाए जा रहे थे कि जो 9 नवंबर स्थापना दिवस है उस दिन इसका जो है बाकायदा जो है विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। जी अवनीश जी, जिस तरीके से लगातार यूसीसी को लेकर देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार अग्रसर नजर आ रही है, लगातार प्रयास हो रहे हैं, इससे पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं इसको लेकर, क्या लगता है उत्तराखंड में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आकांक्षा कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे लगातार जो है एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं और आदेशों का पालन कराने के लिए बाकायदा अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और यहाँ पे लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस हमलावर भले ही रही है, इसमें विपक्ष ने भी कई बार आरोप लगाए हैं और खास करके जो है विशेष समुदाय के लोगों ने उनका कहा था कि हमारे ऊपर ये जो है देखा जाए तो ये थोपने वाली बात होती है, तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से तालमेल की बात की थी, आम जनमानस से सुझाव मांगे गए थे, उसको लेकर आज ये कयास जरूर लगाए जा रहे कि कहीं ना कहीं इस पर निर्णय हो सकता है। यह अच्छा, ठीक है अवनीश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार उत्तराखंड की जो सरकार है वो यूसीसी लागू करने को लेकर प्रयासरत नजर आ रही है, और आज इसी क्रम में दोपहर 1 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की ये बड़ी बैठक होने वाली है। 1 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है और तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरीके से हमने अवनीश गुप्ता जी से भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया कि लगातार उत्तराखंड सरकार है वो अहम कदम उठा रही है और माना जा सकता है कि जल्द से जल्द ये जो रिपोर्ट है, यूसीसी की जो बुकलेट है, वो समिति को सौंप दी जाएगी और जल्द से जल्द उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का जो अहम निर्णय है वो लिया जा सकता है।